तो दोस्तों आज जो है ना मैंने सुबह के कोई भी चूजे नहीं निकाले। ये हमारे देसी मुर्गे भी अभी बंद हैं, सुबह से ये भी बंद हैं, और हमारे जो ये वाले मुर्गे हैं ये भी अभी तक बंद हैं। बकाया हमारी बकरियां जो है इनके आगे मैंने पट्ठे वगैरह डाल दिए हैं। बिल्लू जो है ना हमारा ये देखें हमारे कैमरे की तरफ देख रहा है, पता नहीं क्या मसला है इसको। बकरियाँ भी पट्ठे खा रही हैं और हमारी जो भैंस है ये भी यहाँ पर पट्ठे खा रही है। तो बकाया जो हमारी वहाँ पर मुर्गियाँ ना वो बर्ची खाने के अंदर वो जो बड़ा सा केजीज है उसके अंदर हैं, वो भी अभी तक बंद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी जो मुर्गियाँ ना ये सुबह से बंद हैं। आज जो है ना मैं गया हुआ था, कहीं शहर गया हुआ था, तो जो है ना मुझे वहाँ पर काम था और टाइम काफ़ी लग गया। जब वहां से मैं आया तो आते ही मैंने अपनी भैंसों के लिए पट्ठे लेके आया। अभी अभी मैंने पट्ठे ला के अपनी भैंसों के आगे डाले हैं। और सुबह से जो है ना मैंने अपने देसी और असील मुर्गे कोई भी मैंने बाहर नहीं निकाले। तो अब जो ये देसी और असील हैं, ये एक इसके अंदर जो मेल है और तीन जो फीमेल हैं देसी, इनको मैं निकाल लेता हूँ बाहर। बकाया इसके अंदर जो मेल हैं, इसके अंदर एक मेल है और पांच फीमेल हैं इसके अंदर। तो बकाया उसके जिसके अंदर वो जो बर्ची खाना आपको बताया उसके अंदर एक दो फीमेल हैं और दो ही मेल हैं। तो दोस्तों उनको भी बाहर निकालते हैं। वो जो बच्चों वाली मुर्गी है ना उसके साथ दो बच्चे हैं और एक बच्चा जो है ना हमारा टोकरे के नीचे है, क्योंकि उसको जो है ना दूसरे जो मुर्गे हैं उसको मारते थे, इसलिए मैंने जो है ना उसको अलहदा बंद किया क्योंकि दूसरे मुर्गे उसको जख्मी ना कर सकें। अब जो है ना सबसे पहले मैं ये वाली केजिस के मुर्गे बाहर निकालता हूँ। इनको मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के बाहर निकाल लेता हूँ। सुबह का बिचारों ने कुछ खाया भी नहीं। तो दोस्तों इनको जो है ना मैंने अब बाहर निकाल ली है। अब ये वहाँ पर चले गए हैं जहाँ पर इनको दाना मैंने खिलाना है। अब जो दूसरे मुर्गे हैं ना उनको भी मैं बाहर निकालता हूँ। दोस्तों ये जो मुर्गे हैं ना इनको भी अब मैं बाहर निकाल लेता हूँ बिस्मिल्लाह पढ़ के। ये देखें दोस्तों सुबह के बेचारे भूखे हैं। ये देखें दोस्तों अब ये भी बाहर आ चुके हैं। ये देखें हमारे सारे के सारे आ चुके हैं बाहर, और ये भी अब यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। इनको भी मैं दाना वगैरह डालता हूँ, सबको इकट्ठा जो है ना मैं दाना वगैरह डालूंगा। अब जो हमारे रैबिट्स हैं ना वो भी बाहर आ रहे हैं। तो इसके केजेस के अंदर सुबह सुबह जो है ना मैंने ये देखें स्टाला वगैरह मैंने डाला था, और अब जो है ना इन्होंने खा लिया हुआ है जितना खाना था। ये सारा का सारा जितना भी गंद है ना रैबिट्स केज के अंदर, इसको मैं बाहर निकालता हूँ। बाहर निकाल के इसके अंदर नया जो घास है ना वो डालूंगा, क्योंकि शाम का वक़्त है। तो इन्होंने ना बार बार हमारे जो वो पनीरी लगी हुई है ना वहाँ पर जाते हैं, इसलिए इनको जो है ना मैंने यहाँ पर ही रहने देना। यहाँ पर अंदर ही इसको घास वगैरह डाल देना है, क्योंकि ये जो है ना वहाँ पर ना जा सकें। तो दोस्तों अब जो वो मुर्गे हैं ना उनको भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों ये जो हमारे मुर्गे हैं ना इनको भी अब मैं बाहर निकालने लगा हूँ बिस्मिल्लाह पढ़ के। तो दोस्तों ये देखें इसके अंदर दो हमारे उसमें फीमेल के साथ जो है ना ये एक मेल है और एक फीमेल है, और एक जो फीमेल है ना ये देखें यहाँ पर चढ़ गई है, क्योंकि इससे डर लगता है सब मुर्गों से। ये जो सारे के सारे मुर्गे हैं ना ये इस बेचारी फीमेल को मारते हैं। ये जो हमारी देसी फीमेल है ना ये देखें ऊपर बेचारी डर के मारे यहाँ से ऊपर चली गई है। आज फिर इसका वही काम हुआ है, आज फिर इसने अंडा खा लिया है। तो दोस्तों आगे उस दिन यहाँ पर खाया था, ये देखें निशान, आज जो है ना इन्होंने यहाँ पर खाया है। तो दोस्तों बकाया अंडा वगैरह भी चेक करते हैं यहाँ पर अगर किसी मुर्गी ने दिया हुआ। तो दोस्तों ये देखें ये भी जो है ना क्रैंक रही हैं, ये भी अंडों पर आई हुई हैं। तो शायद आज दें अंडा, कल दें, परसों दे दें, एक दो दिन या इसी हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने जो है ना अंडे दे देने हैं। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है इनको बच्चे निकलवाने की इनसे। अब जो है ना दोस्तों ये जो मुर्गा हमने सुबह से अलहदा इसको कल से यहाँ पर बंद किया, इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये देखें इस बेचारे को जो है ना सारे के सारे मुर्गे मारते हैं। अब इसका जख्म आगे से काफ़ी बेहतर हो चुका है। तो ये हमारे प्यारे प्यारे से क्यूट से पैरट हैं जो हम कल लेके आए थे। इनको मैंने कल बाजार से जो है ना लेके आया था यहाँ पर अपनी हवेली के अंदर, क्योंकि इनका पहला दिन था कल और आज इनका दूसरा दिन है इस हवेली के अंदर, इनका दूसरा दिन है। और अभी जो है ना ये बहुत ज्यादा डरते हैं, मुझसे भी बहुत ज्यादा डरते हैं। ये देखें ना दूर दूर भागते हैं मेरे से, ये देखें। तो दोस्तों इनकी जो है ना ये जो इसकी कुजी है ये भी मैंने लगा दिया है। वैसे मुझे लगता है कि ये जो है ना मुझसे सही नहीं लगी। तो दोस्तों बकाया यहाँ पर ये देखें ये दाना पीना दाना पानी जो है ना ये खा रहे हैं यहाँ पर।
तो दोस्तों ये देखें, इसको मैंने मिक्स दाना इसका साथ में लेके आया था, जो आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था वही मैंने इसके अंदर रोटी मिक्स की है और गंदम के दाने वो भी मिक्स करके इसमें मैंने डाल दिए हैं। तो दोस्तों ये देखें, मैंने जो है ना ये वाली फीड इनके आगे डाली हुई है, ये देखें इसके अंदर गंदम के दाने भी मिक्स हैं और इसके अंदर बहुत कुछ है, मिक्स फीड है ये। तो इसको यहाँ पर ही बंद कर देते हैं। तो ये भी जो है ना अभी सही है, बहुत ज़्यादा है। और पानी जो है ना, मैंने सुबह सुबह जब मैं शहर जाने लगा था तब मैंने इनको ताज़ा पानी जो है ना मैंने अपने नलके से ला के इनको पिलाया, मसलन के इसकी जो कोली है ना इसके अंदर मैंने डाल दिया। ये इनका जो है ना काम यहाँ से ख़त्म है, यहाँ पर अब इनको हम कुछ भी नहीं डालेंगे। अब जो है ना हम अपने सारे के सारे जो मुर्गे हैं ना उनको इकट्ठा कर देते हैं। आह दोस्तों ये देखें किस तरीके से भाग के आए हैं, मैंने जैसे ही आह किया तो सारे के सारे मुर्गे जो है ना मेरे पास भाग के आ गए। अब जो ये मुर्गे हैं ना इनके आगे मैं दाने वगैरह डालूंगा, क्योंकि इनको सुबह से भूख लगी हुई है, आपको भी पता है सुबह से बेचारे भूखे हैं। तो जो है ना अब इनको मैं डालने लगा हूँ दाना, वह दाना जो कल का पड़ा हुआ है ना मग्गे के अंदर वो मैं डालूंगा इन मुर्गियों के आगे, क्योंकि ये देखें इसको लगा कि मुझे कुछ भी नहीं डालना, इसने खाली वीडियो ही बनानी है। अब जो है ना मैं अपने ये मुर्गों को फिर एक बार इकट्ठा करता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों ये देखिए किस तरीके से भाग के आ रहे हैं बेचारे, असल में भूखे हैं ना। अब यहाँ से जो है ना मैं ये दाना लेता हूँ इनका, ये गंदम का, ये देखें ये दाने हैं, ये इनके आगे मैं डाल लेता हूँ और इनके आगे डालते ये देखें ये खाने लग पड़ेंगे। ये देखें ना ऊपर ऊपर उड़ाड़ियाँ मार रहे हैं कि हमें जो है ना दाने डाले, लेकिन इनको मैं डालता हूँ अभी दाने। तो दोस्तों अब जो है ना ये यहाँ पर दाना खा रहे हैं, तब तक हम जो है ना अपने रैबिट्स केजेस का हम सफाई काट लेते हैं। सफाई काट के उसके अंदर न्यू घास डालते हैं, क्योंकि वो न्यू घास खा सकें, उसका भी पेट फुल हो सके, क्योंकि सुबह के बेचारे भूखे हैं, आपको भी पता है भूख के मारे जो है ना बंदा चल फिर नहीं सकता। इनको सबसे पहले जो है ना मैं इनकी केजेस की सफाई करूँगा, सफाई काट के उसके अंदर प्यारा सा जो है ना मैं घास डालूंगा। ये जो हमने मैना काट के लाए हैं ना, ये देखें हमने खरगोशों के लिए रखा है और ये जो है ना हमने अपने भैंसों के लिए उतर दिया हुआ है। अब जो है ना मैं अपने केजेस की रैबिट्स केजेस की सफाई करूंगा और वहां से गंद निकाल के वहां पर मैं जो है ना ये मैना डालूंगा, ये घास चारा जो भी है मैं इसके अंदर डालूंगा। तो दोस्तों इनके केजेस की मैंने सफाई कर दी है, ये देख सकते हैं इसके अंदर जो है ना मैंने न्यू घास डाल दिया है, ये मैंने बाहर निकाला है सारा कचरा। अब जो है ना मैं इसको बाहर फेंक लेता हूँ और अपनी जो बकरियाँ इनके आगे भी पट्ठे वगैरह खत्म हो चुके हैं, हमारी जो कटिया उसके आगे से भी पट्ठे वगैरह खत्म हो चुके हैं, वो भी जो है ना मैं इनकी खुरली के अंदर डाल लेता हूँ क्योंकि ये भी खा सकें। तो बकरियों के आगे मैंने चारा डाल दिया है, अपनी भैंस के आगे भी मैंने चारा डाल दिया है। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना ये इंजॉय कर रही हैं, लेकिन अब जो है ना मैं इनको इनके केजेस के अंदर बंद करूंगा, क्योंकि ये जो है ना हमारी भैंस की खुरली के अंदर जाती हैं और वहाँ पट्ठे खराब करती हैं, बकरियों की खुरली के अंदर जाती हैं और वहाँ पर भी पट्ठे खराब करती हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उनके पट्ठे खराब हों। अब जो है ना इनको मैंने अपने अपने केजेस के अंदर बंद करने लगा हूँ, तो इनको बंद करके आपको दिखाता हूँ। तो अब जो है ना हमारे सारे के सारे मुर्गियों ने दाने वगैरह भी खा लिया, पेट जो है ना थोड़ा बहुत फुल हुआ है, पानी छानी पीते हैं, तो मैं इनको अंदर बंद कर देता हूं दोबारा इनके केजेस के अंदर। तो दोस्तों इनको जो है ना मैंने अपने केजेस के अंदर बंद कर दिया है और इनको भी मैंने अपने केजेस के अंदर बंद कर दिया। रैबिट्स हमारे जो है ना अब बाहर नहीं है कोई भी, तो अब सबको मैंने अपने अपने केजेस के अंदर बंद कर दिया है। तो दोस्तों यही था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।